मालिश चंपी चंपी मालिश चंपी मालिश तेल मालिश चंपी चंपक लाल जवेरी बोर्ड चमकदार रात अंधेरी मत कर देरी कर ले जल्दी हेरा फेरी बेटा झनकार सोच मत बार बार घुस जा अंदर तेल लगा के अरे अरे बड़ा उजड़ा हुआ सिंगारदान है दो ब्रश एक पाउडर और ये क्या है यार लफंतू मेरा हाथ बाहर अरे आईना भी गुल न गुल है न बुलबुल कहीं ये मिस्टर इंडिया का मकान तो नहीं है हाँ क्या है लाइट में क्या है रोशनी है मोमबत्ती है दिया है क्या आज दिवाली है अरे आज तो अमावस की रात है कहीं दीप जले कहीं दिल लगता है खूनी पंजा निकल के आएगा नहीं खूनी पंजा नहीं शेर है पीतल का शेर है उस पे रेखा है रेखा ने गुस्से से मुझे देखा है और समझा रही है कि ए निकल ले यहाँ से किसी हीरोइन का मकान है यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है झनकार यहाँ फुनकार ही फुनकार है बाहर बोर्ड चंपक लाल है अंदर पोलम पाल है अबे किसको बना रहे है मकान वाले प्यार किया तो डरना ये मुगले आजम कहाँ से आ गया मैंने मेरा मैक्स से प्यार किया कोई चोरी नहीं वो छुप छुप आए भरना क्या जब प्यार किया तो डरना मैं दीवाना हो गया रे मैं तेरे प्यार में हिलेला जुलेला हो गया रे ये शीशा तो सुबह मैंने तोड़ दिया था अब कहाँ से आ गया मेरे सर पे टोपी है मेरे सर पे टोपी नहीं है इसके सर में भी टोपी नहीं है मेरे ये नाक है आंख है ये बाल है मैं अप्रिक करूंगा भाई को सब ठीक है जाका मैडम एक्स आप जब से आई हैं ऐसे लगता ही नहीं कि आप आई हैं क्या मतलब जूम की दुनिया में कोई हंगामा ही नहीं तुम जूते पहनाओ जाका पैरों में बैठने वालों को सर पर नहीं बैठना चाहिए आपके ये जूते शायद छोटे हो गए नहीं जाका तुम्हें गलतफहमी हुई है जुर्म की सड़क पर दौड़ते दौड़ते हमारे पांव लंबे हो गए आज लगता है कि हम अपने जुर्म की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो हमारा सिगरेट जलाओ कम ऑन लाइट इट
बाहर निकल, चल। अबे ओ अकल के घिसे हुए चूते, बिन पेंदे के लोटे, अब सड़क पर और कितनी दूर तक मेरी गाड़ी का टायर घिसाएगा? जल्दी से बोल, जल्दी से फट, जल्दी से। ओ सस्पेंस के गमबूट, ओ लफड़ा क्या है बोल। चंपकलाल बात हंसी मजाक की नहीं है। तो क्या हमारी गिरफ्तारी की है? हाँ, हाँ? उल्लू का पट्टा हाँ बोलता है, हमारी जान गुले गुलजार, गुले बंदूक, गुले चंपा, मैडम इसके होते हुए हमारी गिरफ्तारी की बात करता है। हाँ, क्योंकि आज पहली बार मैंने अपने लाइटर से मैडम एक सी सिगरेट सुलगाई। क्या? मैं भी इसी तरह चौंका था। इतना ही नहीं, जब मैंने उसे जूते पहनाए तो वो भी उसके पाँव में फिट नहीं आए। मतलब गड़बड़ घोटाला। मैडम एक्स, हम चाहे तो गद्दारी के नाम में तुम्हारे दिल पर गोली का निशान बना दें। नहीं नहीं नहीं, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। बुजदिलों की तरह तुम्हारा ये चिल्लाना तुम्हारी गद्दारी की गवाही है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा वफादार हूँ, जैसे वफादार कुत्ता होता है ना, उतना ही वफादार। चंपकलाल, ये मौत भी कितनी अजीब चीज है। इंसान उसे महसूस करते ही जिंदगी के आंचल में चंचल बालक की तरह तड़पने लगता है। जानते हो हम यहाँ क्यों आए हैं? मेरी चिता की तैयारी करवाने के लिए। नहीं चंपकलाल, तुम हमारे इतने करीब होकर भी हमसे उतने ही अनजान हो जितने समुंदर के दो किनारे। कभी हमारी आंखों में आंखें डालकर उनकी गहराइयों में झांका होता, हमारे दिल को समझा होता और उसकी गहराई में छुपी हुई मोहब्बत को जाना होता, तब तुम्हारे इस दिल पर हमारी मोहब्बत का असर होता। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो तुम महसूस कर रहे हो। ये तुमको क्या हो गया है? यूं समझो कि मैडम एक्स बदल गई है, उसका दिल बदल गया है, उसके जज्बात बदल गए हैं, उसके ख्यालात बदल गए हैं और इस बदले हुए दिल पर सबसे पहला नाम लिखा है चंपकलाल जवेरी। हाँ, चंपक लाल जवेरी, यानी कि मेरा नाम तुम्हारी जुबान पे। क्या तुम हमारे साथ हर कदम पर चलने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारे साथ हर कदम पे चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे ख्यालों में तुम, ख्वाबों में तुम, सांसों में तुम, जज्बात में तुम, जिस्म के हर इलाके में तुम ही तुम हो। तुम्हारे साथ मैं स्वर्ग तो क्या, नर्क तक चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनाऊंगा, बिरला मंदिर बनाऊंगा, कुतुब मीनार बनाऊंगा, वो भी दिल्ली से लंबा वाला। माना कि हम अपनी दुनिया की रानी है, मगर रानी चाहे शतरंज की बिसात पर हो, चाहे तख्त व ताज पर, राजा के बिना अधूरी होती है। राजा? यानी कि मैं राजा हूँ? हाँ, तुम हमारे राजा और हम तुम्हारी रानी। बस चंद काम और कर ले, फिर हम और तुम कानून की निगाहों से दूर, बहुत दूर जाकर बस जाएंगे। उसके बाद मेरा एक छोटा सा घर होगा, जिसके अंदर एक ब्यूटीफुल सा पलंग होगा, झूला होगा जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे, कम से कम 8-10 तो पैदा करूंगा, इतनी ब्यूटीफुल वाइफ है। हा हा हा, ब्यूटीफुल वाइफ क्या होगी मेरी लाइफ। जाका। यस मैडम एक्स, आपके जूते।
इंस्पेक्टर विजय, गुड टू सी यू अगेन। हमसे हाथ मिलाकर तुम्हें अपने आप से कोई शिकायत तो नहीं होगी? मैडम, एक शायद यहां तक नहीं पहुंचता तो जिंदगी से शिकायत रह जाए। बस इंस्पेक्टर, तुम इसी तरह हमें अपनी वफादारी की झलक दिखाते जाओ और हम तुम्हें मैडम एक्स की असलियत बतलाते जाएंगे। जाका, बैग। मैडम एक्स, ये इंस्पेक्टर तो आपका जानी दुश्मन था। था नहीं, दुश्मन तो ये आज भी मैडम एक्स का ही है, मगर दोस्ती करना चाहता है मैडम एक्स की ढेर सारी दौलत से, रिश्ता जोड़ना चाहता है। क्यों इंस्पेक्टर, मैंने ठीक कहा ना? जाका, अब मुजरमों के कलम से इसकी किस्मत हम लिखेंगे और कानून की कलम से हमारी किस्मत ये लिखेगा। तुम जाओ, बैग ले आओ, जाओ जाओ। ओके। व्हाई डोंट यू सिट डाउन इंस्पेक्टर। जाका, अब इंस्पेक्टर विजय हमारे लिए वो काम करेगा जो आज तक मैडम एक्स के साथ किसी ने नहीं किया। कानून और फर्ज से मेरी इस गद्दारी की कीमत? कीमत नहीं, तुम्हारा कमीशन 20%, यानी इन दो बैग्स को मोहन तक पहुंचाने का तुम्हारा हिस्सा 2 करोड़। 2 करोड़? इंस्पेक्टर, ले जाओ इन बैग्स को, अब आगे जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ओके। मैडम एक्स, आपने आज तक किसी पे 2 लाख का भी विश्वास नहीं किया और इस इंस्पेक्टर को पहला ही काम ऐसा दे दिया जिसमें उसका कमीशन 2 करोड़। जाका, जुर्म कानून को अपनी जेब में रखने के लिए रुपयों की परवाह नहीं करता। ये हमारी एक शतरंजी चाल है जाका, चक्रव्यूह से भी खतरनाक चक्र है ये, एक युद्ध है। हाँ, एक युद्ध जो हमें जीतना है, जीतना।